गाइस कैसे हो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं गैस गीजर पे रिलेटिव, और ये सिर्फ गैस गीजर में एक जो मेन फॉल्ट होता है रिले, गैस रिले का जो फॉल्ट होता है, आज उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। आप मेरे साथ बनी रहिए। ये है गैस किट, ये जो गैस को कंट्रोल। तो गैस गीजर में मेन रोल इसी का होता है, यही गैस को कंट्रोल करती है, यही फ्लैन को। आ जाओ जी। तो आज हम इसको चेक करके देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। अब ये जो गैस गीजर है इसमें परेशानी क्या हो रही है, परेशानी हो रही है कि इसमें फ्लेम नहीं आ रही है। फ्लेम क्यों नहीं आ रही है, इसकी वजह से नहीं आ रही है फ्लेम। तो इसमें समस्या सिर्फ ये आ जाती है कि जो हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में लिक्विड गैस के साथ साथ लिक्विड भी चलता है, जैसे आपको पता है, क्योंकि गैस के साथ लिक्विड चलेगा। अब वो लिक्विड इस पाइप से आता है, यहाँ से हमारा गैस कनेक्शन होता है, तो इस पाइप से लिक्विड जाते हुए यहाँ से लिक्विड जाएगा, कनेक्शन यहाँ होगा, जैसे ये लिखा पड़ा है गैस इनलेट। तो यहाँ से हम गैस का कनेक्शन करके लिक्विड सारा जमा हो जाता है इस कॉइल पे, यहाँ पे आके जितना भी लिक्विड होगा, और वो ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है कि वो मतलब किसी, कैसे आपको बताऊँ, ये जो ऐसे मूव करती है इसको बंद कर देता है मूव करना है, क्योंकि सारा इसमें चिपचिप हो जाता है, फंस जाता है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, इस कॉइल को यहाँ से खोल कर, जैसे ये मैंने खोली हुई है, ऐसे खोलकर इसको अच्छे तरीके से किसी कपड़े से साफ़ कर देना है, जैसे मैंने साफ़ की हुई है, ये सारा साफ़ कर दिया है इसका, ये देखिए सारी साफ़ कर दिया मैंने, कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर। अब आप देख रहे हो इसमें अभी भी ऐसा लगा पड़ा है, ये रहा डस्ट आई पड़ी है, चिपचिप हुआ पड़ा है। तो ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से साफ़ कर दिया है, और मैं उसको अब साफ़ फिट करने वाला हूँ, और इसको फिर इसमें फ़िट करने वाला हूँ, फिर मैं आपको चला के बताता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं है। मैं अब फिट करता हूँ इसको, ये देखिए फिट करने का तरीका, इसको कैसे फिट करते हैं। ये हमारी स्प्रिंग होती है जो वर्क करेगी, ये हमारी रबड़ होती है, रबड़ को आप इसमें सेट कर दीजिए, यहाँ पे ये यहाँ पे सेट हो गई है, और इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे करके आपको इजीली लगाना है। ये ध्यान रहे इसका, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसी में सेट होगा, यहाँ पे ऐसे सेट होगा, उल्टा तो लग ही नहीं सकता है, सीधा ही लगेगा। तो आप इसको ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये इस तरीके से काम करती है, जैसे ये काम कर रही है ना, इस तरीके से काम करेगी ये ओके है, सफ़ा बिल्कुल मैंने कर दी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसको मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे सारे हाथ भी इसमें ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इसमें इतना डस्टिंग, इतना लिक्विड था कि बस सारा ठीक है अच्छे से, पर मैंने साफ़ कर दिया है इसको। और एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इसकी सील होती है, ये सील आपको कहाँ सेट करनी है, ये सील लगाना कभी मत भूलना, ये सील आपको यहाँ सेट करनी है, यहाँ पे। अब आप एक मिनट लाइन पे रहिए, क्योंकि मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो चुका है, मैं अपने डस्ट चेंज, तो मैंने अपने ग्लव्स चेंज कर लिए हैं, मुझे आसानी होगी काम करने में। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये जो सील हमारी होती है, इस सील को आप अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे लगा देनी है, अच्छे तरीके से लगा देनी है, ये गलती से भी ना रह जाए, क्योंकि जो लीकेज वगैरह होती है यही उसको रोक पाती है। तो गैस मैंने यहाँ इसको रिले को अब टाइटली कस चुका हूँ, लगा दिया है। अब इसके हम कनेक्शन यहाँ पे करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही सॉकेट होता है इसके लिए, ये आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो आराम से। यहाँ लगा दिया है, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, इसकी किट लगा के अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसमें। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है,
ये आवाज़ जैसे आप सुन रहे हो, एक आवाज़ साउंड आएगा आपका, देखना, ये कट, ये टक, ये, तो ये रिले का आवाज़ है। तो इसका मतलब हमारी रिले काम कर रही है। अब इसको हम जाके लगवा देते हैं। याद रहे, लगाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, रिपेयरिंग करने से पहले, इसमें आप फ्लो दे सकते हो गैस का, वाटर का फ्लो दे सकते हो, बट स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट आपको 10 मिनट बाद करना है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। क्यों हमें पहले इसको स्टार्ट करके गैस फ्लो दे के इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है? जिस भी टॉयलेट में, जिस भी किचन में, कहीं भी ये लगा हुआ है, तो उसका दरवाज़ा बंद करके हमें पहले इसको चेक करना है। स्मेल तो नहीं आ रही है इसमें? स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर गैस की कोई स्मेल नहीं आ रही है तो आप इसको फ्लो दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइटर आपके काम कर रहे हैं, ये ओके हो जाएगा, आप इसको लगा के सेट कर सकते हो। तो गैस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना।